सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आपके जीवन का हर दिन आपकी जीवन में बदलाव लाने का बेहतरीन अवसर है। उस व्यक्ति को सुख कभी नहीं मिल पाता जो विश्वास किसी और चीजों पर करे व अमल किसी और चीजों पर। महत्व इसका नहीं कि आप कितने अच्छे हो, बल्कि महत्व इस बात का है कि आप कितना अच्छा बनना चाहते हैं। कर्म वो आईना होता है जो हमें अपना स्वरूप दिखाता है। आज का पंचांग 1 नवंबर 2022 दिन मंगलवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि 11:04 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र रात्रि 2:53 2 नवंबर तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:33 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3 से 4:24 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। सूर्य नक्षत्र स्वाति। धनु राशि 1 नवंबर 2022 दिन मंगलवार, अभी आप आध्यात्मिक मूड में हैं, शायद दुनिया से हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। अपने आसपास के विवादों से ब्रेक लेना भी इस समय उचित और बुद्धिमानी होगा। माता पिता या सलाहकार के साथ एक यात्रा की संभावना है। स्वयं के अंदर देखें और अभी अपनी धार्मिक विचारों को जांचें। इस समय जब आप अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करेंगे तो आपको कार्य की उपलब्धियां और प्रियजनों के साथ बिताया अच्छा समय ही याद आएगा। फालतू खर्च करने के स्थान पर अपना उधार चुकाएं और अपना ध्यान वित्तीय स्वतंत्रता पर केंद्रित करें। इसे आप एक आजाद पक्षी की तरह महसूस करेंगे। अनुभवी लोगों के सानिध्य में किसी मुद्दे को लेकर वार्तालाप होगा, किसी खास समस्या का भी हल निकलेगा। युवा वर्ग अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर पूरी तरह गंभीर और सजग रहेंगे। विदेश जाने के लिए इच्छुक लोगों के लिए कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सीमित सोच से बाहर निकलकर नए अनुभवों को लेने की कोशिश करें। अभी मित्रों से प्राप्त हो रहा साथ लाभदायक साबित होने वाला है। लोग आपको प्रेरित करने की कोशिश करेंगे। व्यापार से संबंधित निर्णय लेते समय रिस्क लेने से बचें। पार्टनर की वजह से जीवन में आनंद देगा। मीठे पदार्थों का सेवन सीमित मात्रा में करने की आवश्यकता है। सावधानियां। इस समय बहुत ही सावधानी और समझदारी से व्यवस्था बना कर रखने की जरूरत है। व्यर्थ की गतिविधियों में अत्यधिक खर्ची हो जाने से मन कुछ परेशान रह सकता है। अपने सामर्थ्य से अधिक उधार लेने से भी परहेज रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आपकी अभिलाषा अपने साथी के साथ यात्रा की है, जिसके लिए आप दोनों लंबे समय से योजना बना रहे हैं। आपकी सच्ची खुशी आपके प्यार तक सीमित है और आप अपना अधिकतर समय अपने साथी के साथ गुजारना चाहते हैं। घर के लिए यह समय संकट भरा हो सकता है। अपने पेशेवर और घरेलू जीवन को संतुलित करने में आप आज परेशान और बेचैन हो सकते हैं। बस कुछ खाली समय निकाल उसके साथ व्यतीत करें, जिसके लिए आप पूरी तरह से समर्पित हैं। आपके थोड़े से समय और एक गुलाब के फूल से आपको वो सुख मिलेगा जिससे आप अपनी सारी परेशानियां भूल जाएंगे। बात करते हैं करियर की। आपके करियर और मूड में बदलाव आपको परेशान कर सकता है। आज समस्याओं को अवसरों में बदलने की कोशिश करें। उच्च शिक्षा या कौशल प्रशिक्षण से आपको नए और बेहतर मौके मिलेंगे। आप जो भी करें उसे दिल और दिमाग दोनों से करें, यही आज का मंत्र है। कार्यालय उद्योग में आपने जो पहचान बनाई है वो आपके भविष्य को सुरक्षित करती है और इससे वित्तीय संतुष्टि भी मिलेगी। जो लोग बड़ी कंपनियों में काम करते हैं आज वो कुछ खास करके अपने कार्यालय का नाम रोशन करेंगे। किसी छोटे प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। जीवन के सभी क्षेत्र आज आपको पुरस्कृत कर रहे हैं। बात करते हैं सेहत की। एसिडिटी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें, इसकी वजह से शरीर में कहीं ना कहीं दर्द जैसी समस्याएं रहेगी।
मीठे पदार्थों का सेवन सीमित मात्रा में करने की आवश्यकता है। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी को नारियल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।